प्रदर्शन पर हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों में जल्द सहमति बनती दिखाई दे रही है, पहलवानों की मांगों पर सरकार गौर कर रही है। मुझे लग रहा है, जो दो दिन में मीडिया में देख रहा हूँ, परसों से ऐसा लग रहा है कि कोई मामला दोनों तरफ सहमति बनती जा रही है। खिलाड़ी भी काम पे लौट गए और मीडिया में जो खबरें जिस तरीके से आ रही हैं और जिस तरीके से आज मैं सुबह देख रहा था कि ब्रिजभूषण के नज़दीकी लोगों से कुछ पूछताछ हो रही है, गोंडा पुलिस गई है, मुझे लग रहा है कि कुछ आपस में कहीं कहीं नज़दीक मामला हो रहा है। अच्छा है, देश में निपट गए, तो एक बहुत लंबी मांग थी और अच्छे बच्चों ने अच्छा काम करा, उनका अगर साथ कोई हुआ है तो हमें भरोसा है सेंटर ठीक करेगा। वहीं मंत्री रणजीत सिंह ने अभय चौटाला और राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में किसी भी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेसी में हर आदमी को अधिकार होता है अपनी बात कहीं भी कहे, सड़क पे कहे, बैठ के कहे, सभा में कहे। यात्रा भी उसका एक पार्ट है, वो कर रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी भी चले, जो देवलाल ने भी यात्रा की, पर उसके बाद में यात्राओं का मामला कम हो गया। अभी राहुल गांधी ने करी है, उसका भी कोई मैसेज नहीं है और इस यात्रा का तो कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने कोई नोटिस भी नहीं लिया। राहुल गांधी का तो ये था, मीडिया भी उठा रहा था, उनके साथ MPs भी थे, जिस स्टेट में गए, एक आध स्टेट में कांग्रेस रूल भी था, पर हरियाणा में यात्रा का मैं नहीं समझता कहीं चर्चा में। रणजीत सिंह ने कहा कि सिरसा शहर और गोरीवाला में 33 KV सब स्टेशन बन रहा है और जल्द ही सब स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि CM मनोहर लाल जल्द ही इन दोनों सब स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, बहुत स्टेशन है जो बन गए और तकरीबन महीने डेढ़ महीने बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे उद्घाटन करते हैं। उसमें पावर डिपार्टमेंट भी आ जाता है, PWD भी आ जाता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी आता है, मतलब जिस जिस विभाग के काम कंप्लीट हो जाते हैं, जो उनके लेवल के उसकी इनॉग्रेशन होती है। तो जल्दी हमारे जो कंप्लीट हो गए, कल ही मैंने रिव्यू करा है, हमारा गोरीवाड़ा काफ़ी नज़दीक भी है, तो जल्दी हम अगले 1-1.5 महीने में कर देंगे, 6 महीने तक हमारे काफ़ी काम कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा के रोहतक जिले में खूंखार अपराधियों के लिए हाईटेक जेल बन रही है, जिसमें सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम होंगे। हमारे रोहतक की जेल है जो बहुत हाईटेक बन रही है, जिसमें 50 जैमर लगेंगे, जिसमें आपकी 3 सिक्योरिटी अलग अलग लेवल होंगे, मतलब अलग रिंग होंगे, एक हमारा अपना लोकल होगा, एक CRP या ISBT में उनमें कोई हो जाएगा, ताकि वहाँ कोई भी आदमी कनेक्टिविटी नहीं बने और जो कंपनी आएगी उसे 6 महीने बाद दूसरी कंपनी आ जाए, तो फिर लोगों का आपस में मतलब कोई नेक्सस नहीं बनता। और हमारा पूरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा रहेगा, उसमें जितने हार्ड क्रिमिनल है उसको जेल में रखेंगे, बहुत ऊंची दीवारें बना के उसे बनाया जा रहा है, वो एक अद्भुत जेल होगी, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक मॉडल जेल बन रही है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह अपने सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से रकुल जसूजा की रिपोर्ट।